नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय मैं आप सभी के साथ एक ऐसे सेक्टर, ऐसी थीम के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस पे आई थिंक पूरे मार्केट में कोई नेगेटिव नहीं है। पूरे मार्केट में एक से एक बड़े दिग्गज डोमेस्टिक या ब्रोकरेज हाउस, किसी की भी रिपोर्ट पढ़ लो इन पे, अगर उन्होंने निकाली है तो। इन कंपनीज को आप बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, पहचानते हो, यूज करते हो। इन कंपनीज के बिजनेस को आप अच्छे से समझते हो और इनके शेयर्स कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में। ऐसा नहीं है कि कल 200 का था आज 400 का हो गया, यानी दो चार महीने में डबलर हो गया, नहीं। बहुत ही आराम से स्लोली एंड स्टडी बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एंड ये जो तेजी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप, ये सबसे ज्यादा प्यारी तेजी मानी जाती है, सबसे ज्यादा टिकाऊ सस्टेनेबल तेजी होती है। पता है क्यों? आप खुद सोचो, आपने 200 रुपए पे ली, कोई अगले दिन या दो दिन पांच दिन बाद 210 हुआ, पांच दिन बाद 2-2% रेगुलरली बढ़ रहा है, एक ही दिन में 10% बढ़ गया और 5% बढ़ गया सॉरी, और उसके बाद आपके लिए कुछ 4-5 दिन वही ट्रेड करता रहा। तो इस बीच में क्या हुआ, जिसने 200 पे लिया है वो एग्जिट करना चाहेगा, 210 पे कर देगा, और जिसने फ्रेश एंट्री मानी हो फ्रेश एंट्री मिलेगा। हर लेवल पे मौका देने वाला स्टॉक एग्जिट और एंट्री की सस्टेनेबल तेजी दिखाता है। ITC देखो, वो कंटिन्यू चलता चला गया, 200 रुपए से 500 हो गया, कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई। ऐसे केसेस में ज्यादातर बड़ी करेक्शन और वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। करेक्शन तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। आप जहां भी वन साइडेड स्पाइक देखोगे ना, वो फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली केस ले लेते हैं, टाटा LXI 7000 से 9000 हुआ विद इन 2 डेज, ठीक है, 2000 पॉइंट भागा, तीसरे दिन 1300 पॉइंट टूट गया, 7800 आ गया दोबारा, फिर वो दोबारा भी चलने लगा है। तो ये वॉलेटिलिटी से आप बच जाते हो जब आप स्टेप स्टेप चलते हो। तो अब वो कौन सा सेक्टर, कौन सी थीम है उसको नोट कीजिए, वो है दोस्तों टेलीकॉम की थीम। टेलीकॉम यानी कि समझ गए, फोन। अब अगर आप नोटिस करें, टेलीकॉम क्षेत्र में कोई ब्रोकरेज हाउस है ऐसा जो कह रहा है कि भैया इनके स्टॉक महंगे हो गए हैं, या ये स्टॉक खराब हो गए हैं, या इन स्टॉक्स में अब सेलिंग आ सकती है, या बेच के निकल जाओ, आई थिंक कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपके लिए ऐसा कोई कहता हुआ दिखे। इनफैक्ट आप अगर अभी भी कोई रिपोर्ट पढ़ो तो वो आपको पॉजिटिव ही साइड पे मिलेगी। भारती एयरटेल तो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच गया देखते ही देखते, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी रिसेंटली ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, अब वो 1900 प्लस के समथिंग के टारगेट दे रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक एक करके इसी थीम पे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं दोस्तों, और आगे की प्लान्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं एयरटेल के बारे में ही बात करूंगा कि एयरटेल का शेयर कहां पे आ गया है, कितना जा सकता है, रीजनेबल है या नहीं है। देखो, एयरटेल का शेयर आ गया भैया 1635 रुपए पे, वैल्यूएशन नंबर 96 के पीई पे हो गया है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसे 96 पे तो नहीं आना चाहिए, महंगा तो हो गया है, लेकिन ये ना एक FMCG काइंड ऑफ हो गया है स्टॉक। 70-80 के पीई पे तो इजीली टिक सकता है, मतलब ये 40-35 वाला मल्टीपल वाला स्टॉक ही नहीं है, 80 के मल्टीपल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसे, लेकिन ये 96 थोड़ा महंगा है। और अगर आप यहां से और ऊपर जाते हो तो फिर वो महंगा और ज्यादा हो जाएगा। देखो, 100 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करना मुश्किल है ना, तो हमें क्या करना है, हमें पहले रिजल्ट देखने हैं। अब रिजल्ट तोड़फोड़ आ जाएंगे तो ये वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाएगा नंबर, अगर पैसा कमाई ही बढ़ गई तो वो अपने आप अर्निंग पर शेयर ऊपर आएगा और ये वैल्यूएशन आपके अपने आप सस्ते हो जाएंगे, स्टॉक का प्राइस यही रहेगा तो फिर वो और स्कोप मिल जाएगा ऊपर। इनकेस नंबर नॉर्मल ग्रोथ दिखाते हैं तो थोड़ा करेक्ट हो सकता है, हो जाएगा तो आप खरीद लीजिएगा, सिंपल है। बड़ी करेक्शन तो दिखती नहीं है भारतीय एयरटेल में, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा स्लोली एंड स्टडी चल रहा है, आपके लिए 1520-1540 रुपए का लेवल है जो कहीं ना कहीं बाइंग रेंज निकाल के दे रहा है, वहां पे आप खरीदो, होल्ड करो और हर डिप को एक्यूमुलेट करो। कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि एयरटेल ऐसा नहीं है कि कोई कल्ली नया प्लेयर खड़ा हो जाएगा और पूरा मार्केट खराब कर देगा। हर कोई अंबानी साहब नहीं होते ना, हर कोई जियो नहीं होता, उसने भी खैर एयरटेल ही टिका रहा उनके आगे, बाकी सब ढह गए। तो पैसा चाहिए उसके लिए, इतना पैसा और आई थिंक नहीं है कहीं, तो आपका एयरटेल खड़ा रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि एयरटेल अपनी सर्विस खराब कर देगा, इम्पॉसिबल है ये तो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई और इनके किसी भी मार्केट में फील्ड में आएगा और सिचुएशन खराब करेगा। तो मेरे को लगता है एयरटेल एक टॉपिक रहने वाली है। दूसरा स्टॉक आगे बढ़ते हैं, इंडस टावर। अब देखो, एयरटेल चलेगा तो इंडस टावर तो चलेगा ही चलेगा। इंडस टावर भी मुझे काफी पॉजिटिव लगता है, 428 रुपीज का लेवल है स्टॉक का, केवल 17 के पीई पे ट्रेड कर रहा है,
17 के पी पे। अब नेटवर्क तो तभी आएंगे जब टावर लगेगा, और ऊपर से आप अभी तो 6G रोल आउट करोगे, 5G पूरी तरीके से रोल आउट करोगे। तो मेरे को लगता है ये एक और स्टॉक है जो बहुत ही प्यारा कैंडिडेट है, करीब 500-550 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी आप स्टॉक को होल्ड करें, बने रहें और बायो डिप की स्ट्रेटेजी बना के चलते रहें, बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब आता है दोस्तों सबका चहेता वोडाफोन आइडिया। इसकी सिचुएशन थोड़ी सी समझ से परे होती है, क्योंकि ना मेरे को इसके ऐसा नहीं है कि उठ नहीं सकता, ये उठ जाएगा, ये फंड रेज कर रहा है, ये अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर भी तो शांत नहीं है ना, एक आपके जियो है, एक आपका एयरटेल है, तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा विषय हो जाता है जो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। आप कैसे कॉम्पीट करोगे इनसे, इन्हें बीट कैसे करोगे? अब मैं अगर एयरटेल की सिम यूज कर रहा हूं तो मैं वोडाफोन आइडिया पे क्यों शिफ्ट हूं, मेरे को ये सवाल है बस मेरा। तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप पैसा लगाओगे तो पैसा डेफिनेटली बना लोगे, डेफिनेटली तो सॉरी गलत शब्द हो जाएगा, इसमें पैसा लगाओगे तो ज्यादा पैसा बेशक इन दोनों के कंपैरिजन में बन जाए, लेकिन हो सकता है आपका पैसा टूट भी जाए, ये रिस्क रहेगी यहां। लेकिन एयरटेल में रहोगे तो आपका पैसा बनेगा, चाहे वो स्लोली स्टडी बने लेकिन बनेगा। अब आता है भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी हेक्साकॉम, भारतीय हेक्साकॉम, ये भी अच्छा है। और दूसरी बात यह कि अब यहां से क्या है ना, टैरिफ हाइक्स होंगे, आपके मोबाइल का प्लान और महंगा होगा, तो उसको आप हेज करना चाहते हो, शेयर उठा के बैठ जाओ। तो ये सारी चीजें इन स्टॉक्स को काफी पॉजिटिव बनाती है, और मुझे लगता है आप इनमें निवेशित रह सकते हो। बिकवाली करने की जल्दबाजी मत करना, ये टॉप मोस्ट ब्लू चिप काइंड स्टॉक हो रहे हैं आप धीरे धीरे, और एयरटेल तो वैसे भी है ही, और मेरे को लगता है कि इनका कॉम्पिटिशन मार्केट दूसरा प्लेयर है ही नहीं यार, और ये एक नेसेसरी चीज है हमारी जिंदगी के लिए। समय रिचार्ज मोबाइल का नहीं रह सकते, उसके ना वाईफाई बढ़ता ही जा रहा है, डिमांड में आते जा रहा है, और वाईफाई को तो अगर टॉप मोस्ट प्लेयर में काउंट कराया जाए तो एयरटेल के सामने कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। मेरे यहाँ लगा हुआ है लेकिन एयरटेल का नहीं है, मेरे यहाँ किसी लोकल प्लेयर का है जो यहीं का लोकल है, हालांकि वो भी बड़ा लेकिन यहाँ का लोकल है, वो हर जगह नहीं मिलेगा। एयरटेल हमारे दूसरी जगह पे यूज हो रहा है, तो ये एयरटेल मतलब हर जगह मिलता है आपको, ठीक है, बस लोकल वालों की थोड़ी स्पीड वगैरह अच्छी रहती है तो कभी कभार लोकल पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़ा प्लेयर कोई है क्या ऑर्गेनाइज प्लेयर में? नहीं है, एयरटेल ही है। ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो इनसे मजबूत कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।